नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आखिरकार कब तक भारत का हिंदू यूं ही सोता रहेगा और चुपचाप अपनी बर्बादी का तमाशा देखता रहेगा? आखिर कब हिंदू की आत्मा जागृत होगी? आखिरकार हिंदू कब इस बात को समझेगा कि वो जिस देश में रह रहा है, वो जिस संस्कृति में जन्मा है, और साथ ही साथ भारत जो कि उसका देश है, भारत जिसकी संस्कृति सनातन संस्कृति है, जिसकी संस्कृति हिंदू संस्कृति है, उसे उस संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। आखिरकार कब तक भारत का हिंदू यूं ही लालच और जातिवाद में आकर के अपना और अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करता रहेगा? आखिरकार हिंदू की आंखें कब खुलेंगी और कब हिंदू की आत्मा जागेंगी? क्या हिंदू पूरी तरह से सो चुका है? उसे कितनी भी जगाने की कोशिश की जाए, हिंदू नहीं जागने वाला। दोस्तों, आज जो दुनिया में हो रहा है, वो भारत के हिंदुओं को अच्छी तरह से देखना और समझना चाहिए और इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए कि अगर वो अब भी यूं ही सोचता रहा और जातिवाद में फंसा रहा, तो शायद उसके साथ वो हो सकता है जो कि आज बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है। अगर भारत का हिंदू यूं ही सोता रहा, तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत के हिंदुओं को अपनी ही जमीन से भगाया जाएगा और तब शायद भारत के हिंदुओं के पास भाग के जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी, क्योंकि भारत के तरफ जितने भी देश है, वो ना ही तो भारत के लोगों को शरण देंगे और ना ही उन्हें अपने देश में बसने देंगे। आज किस प्रकार से बांग्लादेश के हिंदू अपने घरों को, अपनी जमीनों को और अपने मंदिरों को छोड़ करके बांग्लादेश से भाग करके भारत आ रहे हैं, लेकिन जब यही हाल भारत के अंदर भारत में रहने वाले हिंदुओं का किया जाएगा, तब आखिरकार भारत का हिंदू अपनी जमीन और अपनी जगह छोड़ करके कौन से देश में भागेगा? आखिरकार भारत के हिंदुओं को क्या हुआ है? आखिरकार भारत के हिंदुओं की आत्मा कहां पर सो गई है? आखिरकार भारत का हिंदू क्यों नहीं जाग रहा? क्या भारत के हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ लालच ही दिखता है? जो नेता और जो व्यक्ति भारत के अंदर जातिवाद की बात करते हैं, उन लोगों को आज बांग्लादेश के हिंदुओं की जातियों को ढूंढना चाहिए। आज बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू बुरी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं और शांति प्रिय समुदाय के द्वारा मारे जा रहे हैं, आज भारत के हिंदुओं को उन लोगों की जाति को ढूंढना चाहिए कि किस प्रकार से आज बांग्लादेश के अंदर पूरी तरह से हिंदुओं का सफाया किया जा रहा है। आज भारत के अंदर बैठे हुए उन जातिवादी नेता और साथ ही साथ जातिवादी वोटरों को अपने जात के लोगों को बांग्लादेश के अंदर ढूंढना चाहिए। दोस्तों, अगर सचमुच भारत का हिंदू यूं ही सोता रहा और जातिवाद में बट करके अपने और अपने भविष्य को बर्बाद करता रहा, तब शायद आने वाले समय में भारत के अंदर उसके बच्चों के साथ वही हो सकता है जो कि आज बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है। अगर भारत का हिंदू आज भी नहीं जागा और आपने भविष्य के लिए सचेत नहीं होता है, तो आप लोग इस बात का पूरी तरह से विश्वास मान सकते हैं कि जो परिस्थितियां आज बांग्लादेश में हो रही हैं, वही आने वाले समय में भारत के हिंदुओं को भी झेलनी पड़ेगी, और तब शायद भारत के हिंदू के पास भाग के जाने के लिए ना ही तो कोई देश बचेगा और ना ही दुनिया की कोई जमीन बचेगी। तब शायद भारत के हिंदुओं को अपनी उस गलती का एहसास होगा, जिसे तब वो शायद चाहकर भी ना ही तो सुधार पाएगा और ना ही उस समय कर पाएगा। इसीलिए आज अगर भारत का हिंदू जागृत नहीं होता और संगठित होकर के अपने धर्म और अपने देश की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ता, तब शायद भारत के हिंदुओं का आने वाले समय में कुछ भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय के बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।